हाय फ्रेंड्स दिस फ्रॉम सिविल स्टेली आज बहुत दिनों बाद हम लोग इस तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ मिल रहे हैं uh, सबसे पहले तो विशो ऐ वेरी हैप्पी न्यू ईयर ये न्यू ईयर में आपने जो भी सोचा हो वो तमाम चीजें आपके डिजायर्स आपकी जितनी ख्वाहिश हैं सब पूरी हों और आप सिविल सर्वेंट बन सके ऐसी पूरे सिविल स्टेली की टीम की तरफ से हम आपको बेस्ट विशेष देते हैं तो आइए शुरुआत करते हैं आज के एक्सप्लेनर का एक्सप्लेनर नहीं एक तरीके से ये एक पर्सनालिटी बेस्ड आज मैंने एक प्रोग्राम आपके लिए बनाया है ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में लाने की न लाने की वजह ये रही क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है जिसे थोड़ा सा समय हमको देना पड़ेगा बिकॉज एक पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है उस पर्सनैलिटी को आप आ, चंद सेकंड्स में या दो मिनट में आप नहीं समे सकते काम बहुत ज्यादा किया है सावित्री बाई फूले आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है देश भर में मनाई जा रही है जितने एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं वो जानते हैं सावित्री बाई फूले का योगदान कितना बड़ा है प्रम्स के लेवल में यस yes, इंपॉर्टेंट है मेन्स के लेवल पे सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स जब आप पढ़ते हैं तो वहां इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी बेस्ड है और रूल ऑफ वुमेन ऐसी अकेली महिला जिसने उस समय पर खड़ी हुई महिलाओं के शिक्षा के लिए जब महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार माना जाता था कि नहीं है तो ये सिविल रिचुअल्स आप इनके बारे में जानते ही हैं सुबह से लेकर शाम तक हम लोग आपके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लाते हैं स्टार्ट करते हैं ये सावित्री बाई फूले की एक इमेज है जो कि अलग अलग आर्टिस्ट बनाते हैं तो इस तरह से सावित्री बाई फूले दिखती थी ये उनकी एक इमेज आपको इंटरनेट पर मिल जाती है तो ये कटेसी इंटरनेट से मैंने ली हुई है गूगल से तो वन एंटी फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी है सोशल रिफॉर्मर रही हैं आप जानते हैं नाइनटीन सेंचुरी में अठारह सौ इकतीस की पैदाइशी थर्टी वन की पैदाइश है और आ, लेकिन जितने समय जी जितने समय उन्होंने वो रही अपने समय में इतना बड़ा काम उन्होंने किया कि आज इतनी आ, फीमेल्स मुझे सुन रही है समय अगर आप आज पढ़ पा रहे हैं शिक्षा का अधिकार है तो एक समय यह हक की आवाज उठाई थी सावित्रीबाई बाई फूले ने कैसे पर्सनल लाइफ पर आप इमेज देख पा रहे हैं ये है कौन है कौन आप बताए ज्योतिबा फूले इनके हस्बैंड इनके साथी साथी हैं इनके और वो है सावित्रीबाई फूले ये एक एक इमेज मिलती है तो शी वॉज द एल्डेस्ट डॉटर सावित्रीबाई फूले ऑफ लक्ष्मी एंड खानोजी नवेश पाटिल उनकी और नाय गांव करके एक जगह है महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में वहां उनकी पैदाइश है नौ साल की थी तो ज्योतिबा फूले से इनकी शादी हो गई थी नौ साल की एज में शादी हो गई थी ज्योतिबा फूले, फूले हम लोग उनको जानते हैं सोशल रिफॉर्मर के तौर पर है ना जिन्होंने काम बहुत सोशल रिफॉर्म्स के तौर पर किया और वुमेन एजुकेशन के तौर पर बहुत काम किया और ज्योतिराव को ज्योतिराव ने ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई को पढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी एक कहानी है कि सावित्री बाई फूले एक दिन कुछ किताब पढ़ रही थी तो उनके पिताजी आए और उन्होंने उनके हाथ से किताब छीन ली और कहा कि महिलाओं को और दलितों को हमारे समाज में पढ़ने का हक नहीं है तो ये किताब तुम नहीं पढ़ सकती हो सावित्री बाई फूले को ये बात थोड़ी सी चुभी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ मैं पढ़ रही हूँ उस चीज को मैं देख रही हूँ क्या है लेकिन मुझे ऐसा कहा गया है कि वो उनको चुभा की फीमेल्स को ये अधिकार क्यों नहीं है वो क्यों अलग है तो ये पेट्रियार सोसाइटी की जो सोच थी कंजर्वेटिव सोसाइटी की जो सोच थी नाइनटीन सेंचुरी के मैं फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूं अठारह के दशक तीस और चालीस के दशक की उस समय में ये सोच थी तो उसको चुनौती देने वाली महिला सावित्री बाई फूले थी और उनका साथ दे रहे थे ज्योतिबा फूले है ना तो इन दोनों का योगदान आप समझ सकते हैं तो काम उन्होंने सोशल एंडेवर्स में मतलब उसका इंपैक्ट ये रहा कि पब्लिक एजुकेशन में जो काम हुए लिमिटेड थे बहुत कम मिशनरी स्कूल ऐसे थे जो कि ओपन टू ऑल थे जहां पर लड़कियां लड़के सब जो लोग जा सकते थे या फिर हर धर्म के या फिर हर जाति के लोग जा सकते थे उस पीरियड में ज्योतिबा फूले ने और सावित्री बाई फूले ने 1948 में एक स्कूल खोला सॉरी 1848 में एक स्कूल खोलते हैं जो कि ज्योतिबा की एज उस समय इक्कीस साल थी सावित्री की एज उस समय सत्रह साल थी उन्होंने उस एज में एक स्कूल खोला जो कि महिलाओं को डेडिकेटेड था, जहां पर महिलाएं पढ़ सकती विमेन, तो नहीं भूलना चाहिए, चाहिए ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले ने खोला था इट वॉज कंट्रीज फर्स्ट फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन स्टार्टेड बाई इंडियंस भारतीयों द्वारा महिलाओं के लिए शुरू किया गया देश का पहला स्कूल था उसके बाद आ, आ, सावित्री बाई ने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया अमेरिकन मिशनरी अहमदनगर जो है वो कराता था पुणे का नॉर्मल स्कूल एक पुणे पुणे के स्कूल में जाकर उन्होंने ट्रेनिंग कोर्स किया और, और ज्योतिबा फूले ने समाज से लड़ते हुए उनको ये करने दिया एक कहानी ये भी प्रचलित है कि जब वो जाती थी पढ़ने के लिए वो और उनकी दोस्त या फिर जितनी लड़कियां बाहर निकलती थी पढ़ने के लिए तो उन पर गंदगी डाली जाती थी उन पर कूड़ा फेंका जाता था कि आप नहीं जा सकती हैं या आपका काम नहीं है पढ़ाई लिखाई करना तो उस ह्यूमिलिएशन के बावजूद वो पढ़ने गई और आज देश में महिलाओं के साक्षरता की हम बात करते हैं आधी आबादी की बात करते हैं तो ये हक सबसे पहले ज्योतिबा और सावित्री बाई फूले ने दिलाया और सावित्री बाई फूले ने वो तमाम रूढ़िवादी ताकतों को चुनौती देते हुए उन ऑर्थोडॉक्स नॉर्म्स को आ, उंगली दिखाते हुए और पॉइंट uh, आउट करते हुए कि मैं करके दिखाऊंगी उन्होंने ये काम किया उसके बाद उन्होंने लड़कियों को पढ़ा, पढ़ाना शुरू किया पुणे के महारवाड़ा में 1851 1851 तक तक आते 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 1848 में स्कूल खुला और आते आते ज्योतिबा और सावित्री बाई तीन स्कूल पुणे में चला रहे थे और उनके पास कम से कम 150 लड़कियां थी जो पढ़ रही थी टीचिंग मेथड्स एट द स्कूल गवर्नमेंट स्कूल एंड सून The number of girls who are increase in uh, school. ऑफ लड़कों को लड़कियों की, तो की बात है, है ना? 1849 में और सावित्री को अपना घर इसलिए छोड़ना पड़ा।, पड़ा क्योंकि अलाउ तो था नहीं घर इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि जब आप समाज के खिलाफ जाके आप जब सोसाइटी के अगेंस्ट जाके कोई काम करते हैं ना तो आपको आपकी फैमिली को सोसाइटी को जवाब देना पड़ता है क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें सोसाइटी अभी पारंगत नहीं है जो देख नहीं पा रही है उस चेंज को आप देख रहे हैं और आपकी फैमिली को सब लोग आके बोलते हैं कि आपका लड़का आपकी लड़की ये ऐसा कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए तो उस स्थिति में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले को अपना घर छोड़ना पड़ा और वो जाके फिर अपने दोस्त क्या रहने लगे जो कि न केवल दूसरी जाति के होते तो एक बात थी वो दूसरे धर्म के उस्मान शेख के यहाँ जाकर रहने लगे फैमिली मतलब फ्रेंड की फैमिली थी उसके यहाँ जहां सावित्री बाई को फातिमा बेगम शेख मिलती है फातिमा बेगम शेख सावित्री बाई के साथ स्कूल जाना स्टार्ट करती हैं और दोनों लोग ग्रेजुएट होती हैं ग्रेजुएट होती हैं नाइनटीन सेंचुरी में शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर ऑफ इंडिया हु फातिमा शेख याद रखिएगा सावित्री बाई वॉज द फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ इंडिया

एक सोसाइटी खोली गई और उनके प्रमो एजुकेशन के प्रमोशन के लिए इन दोनों ने काम किया और सावित्री बाई और सावित्री बाई केवल एक एक सोशल रिफॉर्मर नहीं थी एक पोइट भी थी एक कवित्री भी थी और बहुत अच्छी कविताएं लिखती थी पब्लिस्ड काव्य फूले इन एटीन और बावन कशी सुबोध रत्नाकर 1892 में छपकर आया उनकी एक पोएम थी गो गेट एजुकेशन जिसमें ऑपरेस्ड कम्युनिटीज़ को एजुकेशन लेने का अधिकार है और उस ऑपरेशन को उस दबाव को उस तमाम बेड़ियों को तोड़ते हुए जो उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं उस तमाम चीजों को तोड़ते हुए और स्वतंत्र जी कर एजुकेशन हासिल करने का अधिकार है ये वो अपनी उस कविता में बताती हैं और वो कविता उनकी बहुत फेमस हो जाती है इन 1852 सावित्री बाई ने फिर एक महिला सेवा मंडल की शुरुआत की जहां पर अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट किया गया महिलाओं के अधिकारों को लेकर यह बहुत बड़ी बात थी उस समय पर और और उनकी ख्याति फैलती जा रही थी वुमेन गैदरिंग्स को वो आ, संबोधित कर रही थी जाकर वहां पर वुमेन गैदरिंग्स को बता रही थी और उनको उनके अधिकारों के बारे में बता रही थी एक और कैंपेन चला रही थी जहां पर चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ जाने की बात कर रही थी कि Uh, मतलब तो सावित्री बाई फूले उस समय कर रही थी एटीन सिक्सटी थ्री में अः फिर उन्होंने बच्चे होते हैं मतलब अः होम फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड उन, उनके लिए एक सोसाइटी एक घर बनाया जहां पर वुमेन प्रेग, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनकी सेफ्टी के लिए वो बात करने लगी उन बच्चों के लिए बात करने लगी जिनको पैदा होते ही छोड़ दिया जाता था जिसमें लड़कियां ज्यादा होती थी तो उनको पढ़ाने लिखाने का उनको पालने पोसने के लिए उन्होंने एक एक, स्टार, एक होम की स्टार एक ऐसे एक एक होम की स्टार्ट की जो कि प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड कहलाया साथ में आ, उन तमाम लोगों की जो कि ब्राह्मण वुमेन जो एक्सप्लॉयटेड होती थी आ, उनके बच्चों को भी उन्होंने आ, पालना स्टार्ट किया है ना तो 1890 में ज्योतिराव पास अवे कैसे पास दरअसल उसी समय पर प्लेग आता है और आ, उनका जो ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ये मैं ज्योतिराव की बात कर रहा था 1890 में वो पास मतलब पास अवे जब वो होते हैं तो सावित्री बाई उसके बाद उनका देहांत होता है नाइनटीन में पहले ज्योतिराव पास अवे और उनका जो फ्यूनरल होता है उस फ्यूनरल के सारे जितने भी नॉर्म्स होते हैं सोशल नॉर्म्स जितने भी फ्यूनरल के नॉर्म्स होते हैं जिसको हम लोग क्रियाकर्म और कार कांड बोलते हैं वो सारी चीजें ज्योतिराव सावित्रीबाई बाई फूले करती हैं जो कि सोशल नॉर्म से अलग होता है अब तक आपने लड़कों को करते हुए देखा था लेकिन सोचिए नाइन सेंचुरी में ये काम अगर कोई महिला कर रही है कोई वुमेन कर रही है कितनी बड़ी बात है तो आफ्टर ज्योतिबास डेथ इन ज्योतिबाइन सावित्री बाई उनके काम को आगे बढ़ाती हैं आपको पता होगा कि सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले ने मिलकर सत्यशोधक समाज बनाया था है ना तो सत्य शोधक समाज के वो एनुअल सेशन को चेयर करती हैं 1893 में अब तक ज्योतिराव फूले कर रहे थे उस काम को और उसके बाद पहला सत्यशोधक विवाह इनिशिएट किया जाता है उस सत्यशोधक समाज के तहत जिसका काम था कि सत्य की पहचान करें और वो मैरिज होती है बिना किसी डाउरी के बिना किसी ब्राह्मण पंडित के बिना किसी ब्राह्मणों के अनुष्ठानों के रिचुअल्स के 1873 में उनका जो अडॉप्टेड सन था वो भी सत्यशोधक समाज के तहत इंटरकास्ट मैरिज करता है ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरकास्ट मैरिज उस समय हो रही है और सत्यशोधक समाज के तहत वो अपने ही बेटे का विवाह करवा रही थी उनके अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं डाइवर्स हैं बहुत सारे अलग अलग हैं एक एक उनका किया हुआ एक काम सोसाइटी के बहुतरे कामों पर प्रभाव डाल रहा था बहुत तेरे लोगों की जिंदगियां बदल रहा था चैलेंज कर रहा था कास्ट सिस्टम को पेट्रीआरकी को तो सत्यशोधक समाज ने वो काम किया उन्होंने ज्योतिराव की डेथ के बाद उसको आगे बढ़ाया आ, समाज के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि एजुकेशन देना था लोअर कास्ट कास्ट को कास को को ट्राइब्स और उनको अवेयर कराना था है ना? तो ये पूरी की पूरी बात थी अः जहां तक बात उनके अंतिम दिनों की है तो जब प्लेग आया था अः तो प्लेग में जब उनको पता लगा कि इस तरीके की एक बीमारी फैली है तो वो प्लेग में लोगों की मदद कर रही थी और उसी मदद करते करते उनको घरों में जाकर उनकी सहायता करना उन्हें अस्पताल तक लेकर आना उनका बेटा जो आगे चल के डॉक्टर बनता है उसको वापस बुलाना और कहना कि वो आके लोगों की मदद करे उसी में जो तिब्बा फूले उनको वो भी प्लेग के संपर्क मतलब उनको भी प्लेग का शिकार होना पड़ता है और पेशेंट्स की हेल्प करते करते ट्रीटमेंट करते करते एंड शी वॉज ऑल्सो गॉट अफेक्टेड प्लेग and she died on 10th march 1897 so this was the story of india's first female teacher savitri bai Phule, who worked a lot uh, for women education for women rights for women remarriage, for widow remarriages uh, for uh, for uh, creating a such, such a society where you can challenge uh, child marriages पेट्रियारकी को पितृसत्ता को चुनौती दे सकते हैं ये सारे काम एक समय पर ज्योतिबा फूले द्वारा किए गए थे एंड शी द फर्स्ट तो ये पूरी जानकारी थी आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप क्या जानते हैं ज्योतिबा फूले के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा है ना सत्यशोधक समाज की एस्टैब्लिश कब हुआ था और उसका क्या लक्ष्य था क्या उसका एम था और कब एस्टैब्लिश हुआ था किसने किया था ये क्वेश्चन है आज का आप मुझे इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका प्रोग्राम कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना मत भूलिएगा पढ़ते रहिए ये वीडियो भी शेयर करते रहिए थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक